प्रधानमंत्री मोदी आज बिहार में रैली के साथ चुनाव प्रचार शुरू करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार के जमुई और गया में रैली कर लोकसभा चुनाव प्रचार की शुरुआत करेंगे। हरिद्वार के झबरेड़ा में गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी की सरकार बनने का दावा किया। तो बिहार हमारा प्योर है, दोबारा पीएम बनना प्योर है, देश की समस्याओं का वही प्योर है। यूपी के मेरठ में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कांग्रेस अध्यक्ष पर तंज कसा कि राहुल गांधी अमेठी में हार के डर से केरल भाग गए। लोकसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग अब तक 1460 करोड़ रुपए की नकदी, ड्रग्स, कीमती सामान और शराब को जब्त कर चुका है। राहुल गांधी के 72,000 सालाना देने के दावे पर मेनका गांधी ने तंज कसा कि उन्हें नहीं लगता कि राहुल को इसका मौका भी मिलेगा। सपना दिखाना कांग्रेस कितने सालों से कर रही है, अब उनको मौका भी नहीं मिलेगा। दिल्ली के केशवपुरम में पुलिस ने 70 लाख रुपए कैश के साथ 6 लोगों को हिरासत में ले लिया। नोएडा में चीन की एक निजी मोबाइल कंपनी पर ठेका देने का दबाव बनाने के लिए की गई फायरिंग के आरोप में शातिर बदमाश को गिरफ्तार कर उस पर एनएसए लगाया गया। मध्य प्रदेश के इंदौर में प्रशासन ने गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के नाम पर करोड़ों रुपए के फर्जीवाड़ा करने के मामले की जांच शुरू कर दी। यूपी के शाहजहांपुर में पुरानी रंजिश की वजह से एक आदमी को घर में बुलाकर उसके दोस्त ने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के आर्टिकल 370 और 35A पर दिए एक बयान पर घमासान छिड़ गया। न्यूज 18 से बात करते हुए अमित शाह ने दावा किया कि राज्यसभा में बहुमत नहीं होने की वजह से इस पर फैसला अटका हुआ, जिसके बाद जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने इस मुद्दे पर केंद्र को धमकी दे डाली। जम्मू कश्मीर को अगर उनको साथ रखना है तो हमारी शर्तों के ऊपर रखना पड़ेगा, ये मुस्लिम मेजोरिटी स्टेट है, अगर वो उसके साथ कोई छेड़छाड़ करते हैं तो फिर उनको जम्मू कश्मीर भूल जाना चाहिए। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने दावा किया कि वो इस मुद्दे पर किसी भी हद तक जा सकते हैं। हम जान की कुर्बानी के लिए भी तैयार हैं, ये मैं अमित शाह साहब से कहना चाहता हूं। इससे पहले न्यूज 18 के कार्यक्रम में अमित शाह ने दावा किया था कि राज्यसभा में बहुमत मिलते ही धारा 370 और आर्टिकल 35A पर फैसला हो जाएगा। जनता के प्रति कमिटमेंट, इसमें हमारा कोई बदल नहीं हुआ है। जहाँ तक क्यों नहीं हुआ का सवाल है, राज्यसभा में बहुमत नहीं है, मुझे लगता है 20 तक ये भी हो जाएगा। न्यूज 18 से खास बातचीत में बीजेपी सांसद परेश रावल ने दावा किया कि उन्हें चुनाव लड़ने ना लड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता। परेश रावल के मुताबिक उनका काम सिर्फ मोदी जी का समर्थन करना है। देश में चुनावी बिगुल बज चुका है, लोकसभा चुनाव की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है और इस वक्त चुनावी चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के सांसद और बॉलीवुड के अभिनेता परेश रावल। तो परेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 इंडिया पर। सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूंगी, आप बॉलीवुड में इतने मशहूर हैं, राजनीति में भी बहुत सक्सेसफुल रहे हैं, अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी में भी आपका कद काफी बड़ा देखा जाता है, तो ऐसे में राजनीति से मतलब इस बार दूर क्यों, आप इस बार चुनाव नहीं लड़ रहे हैं? नहीं, उसकी खास वजह यह है कि मैं राजनीति में आया भी था क्योंकि हमने देखा कि बड़ी मुश्किल समय नरेंद्र मोदी जी जैसे लीडर मिल रहे हैं तो उनको सपोर्ट करना हर किसी का फ़र्ज होता है, तो मैं ये समझ के आया था। आज भी मैं वही बात समझ रहा हूँ, तो उनको सपोर्ट देने के लिए, उनके साथ खड़े रहने के लिए मुझे MP बनने की ज़रूरत नहीं है। मुझे कभी पॉलिटिकल करियर बनानी नहीं थी, मैं डे वन से बोल रहा था मैं सिर्फ ये एक इनिंग खेलने के लिए आया हूँ, मोदी जी को सपोर्ट करने के लिए आया हूँ और अच्छा काम करने के लिए, समाज सेवा करने के लिए आपको MP बनने की ज़रूरत नहीं है, ये मैं समझता हूँ। मैं आपसे जानना चाहूँगी, जैसे आप बॉलीवुड का एक फेस है, बीजेपी का भी आप एक स्टार फेस हैं, तो क्या इस चुनाव में प्रचार के लिए जाएंगे या बिल्कुल ही? जी बिल्कुल, मैं प्रचार करने जाऊँगा। जैसा मैंने कहा कि मैं मोदी जी को देख कर उतरा हूँ तो मैं तो रहूँगा, प्रचार करने के लिए जाऊँगा। 2014 की अगर हम बात करें तो पूरे बहुमत से मोदी सरकार आई, मोदी लहर थी, अब इस बार किस तरीके से आप देख रहे हैं वोट बैंक को ध्यान में रख करके और क्या बीजेपी के मुद्दे हैं? एक बात आप याद रख लेना, मैं हमारे जो दर्शक हैं उनसे भी कहता हूँ, इस बार भी मोदी जी की सरकार पिछली बार जितनी सीट मिली थी उससे ज़्यादा सीटें लेकर आएगी, ये बात याद रख। परेश जी, आपसे जानना चाहूँगी, जिस तरीके से विपक्ष है, विपक्ष लगातार कहता है कि जो बीजेपी है, बीजेपी के जितने भी नेता हैं वो अपने भाषण में राजनीति की बात करते हैं, सेना की बात करते हैं, शहादत, पाकिस्तान तक की बात करते हैं, लेकिन युवाओं के मुद्दे और युवाओं का रोजगार, इस तरीके की चीज़ों पर बात नहीं करते, तो आप इसको किस तरीके से देखते? सरासर गलत बात है। हर बार मोदी जी ने, मोदी जी की सरकार ने जितने भी प्रतिनिधि
सबने युवाओं की बात की है, रोजगार की बात की है, जो भी युवाओं को जो उनके जो सवाल है उनको एड्रेस करने की कोशिश की, कहीं ऐसा हुआ नहीं है। नरेंद्र मोदी जी ऐसे आदमी है, किसी भी सवाल से किसी भी चैलेंज से पीछे हटने वाले नहीं है, वो हमने बालाकोट के अंदर देख लिया है, ये हमने दूसरी बार देखा है, पहले बार उरी के अंदर देखा, इस बार बालाकोट में देखा। और बालाकोट के अंदर तो उन्होंने जो चैलेंज उठाया, हमको लगता है सर्जिकल स्ट्राइक है, ये सर्जिकल स्ट्राइक तो थी लेकिन अक्रॉस द बॉर्डर थी, पाकिस्तान वालों ने कभी सोचा नहीं होगा कि ये बंदा बॉर्डर क्रॉस करके आएगा और हमको ठोकेंगे। और सबसे अहम बात यह है कि पूरा जो उन्होंने हवा बनाया हुआ था न्यूक्लियर वॉर का, उसके बलून को जिस तरह से इन्होंने पंचर किया है पूरे साउथ एशिया में से, वो जो खौफ था कि हम ये करेंगे तो वो करेंगे, पूरा उन्होंने हियर कॉल्ड द ब्लफ ऑफ पाकिस्तान। यूपी के वाराणसी में नमो मैराथन का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में आयोजित इस दौड़ में सैकड़ों बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया, जिसके लिए ये सभी बीजेपी कार्यकर्ता वाराणसी के डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम में इकट्ठा हुए, जहां से मैराथन की शुरुआत हुई। 12 किलोमीटर लंबी इस दौड़ में बीजेपी कार्यकर्ता खास टी शर्ट और कैप पहने नजर आए, जिन पर पीएम के समर्थन में एक देश एक आवाज, नमो फिर एक बार और मैं भी चौकीदार जैसे नारे लिखे दिखे। पूरा देश मोदी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। वाराणसी की सड़कों पर दौड़ते बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं ने इस मैराथन के जरिए जनता से बीजेपी के समर्थन में वोट देने की अपील की। ज्यादा से ज्यादा लोग वोट डालें, प्रधानमंत्री जी के पक्ष में वोट डालें।